प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ या बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शब्द आ रहा है रंभ या स्टील। इस शब्द से आप सभी परिचित होंगे कि पेरिसाइकल या परिरंभ से घिरा हुआ भाग जिसमें पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स और पिथ है तो पिथ, ये सब सम्मिलित है, उसको हम रंभ या स्टील कहते हैं। जैसे पेरिसाइकल है, ये पिथ वाला पोर्शन हो गया और ये वेस्कुलर बंडल्स है, यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर कैम्बियम बन गए, यहाँ पर संवहनी अदा बन गई। तो इस पेरिसाइकल के अंदर वाला पूरा भाग सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगा? स्टील कहलाएगा। और इस क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है वह स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ या रंभीय क्षेत्र द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। और ये द्वितीयक वृद्धि वेस्कुलर कैम्बियम या संवहनी अदा के द्वारा होती है। और पेरिसाइकल, इसके बाद एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस, और कौन सा भाग आएगा? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा का भाग आएगा। अब आपको पता है कि वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो इनके बनने से लगातार ये बनते रहते हैं, तो इनके बनने से इसके बाहर स्थित जो भाग है वहाँ पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है। उस प्रेशर के कारण जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, सबसे बाह्य सुरक्षात्मक परत या रक्षात्मक परत, जिसको हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं, ये बाह्य त्वचा इस प्रेशर के कारण स्थानों पर, कुछ स्थानों पर या लगातार ऐसे फट जाती है। और इस बाह्य त्वचा के फटने से आंतरिक ऊतकों को प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ या बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि संपन्न होती है। कैसे संपन्न होगी? नॉर्मली कॉर्टेक्स या एंडोडर्मल सेल है, ये परमानेंट टिश्यू है, स्थायी ऊतक है, परंतु एपिडर्मिस के फटने से इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस की कोशिकाएं विभाजित की हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, और उस स्थिति में वो कोशिकाएं विभाजित की होकर के यहाँ पर एक एधा की रिंग या एधा की वलय का निर्माण करती है। और ये कॉर्क कैम्बियम या कागेदा कहलाती है। और इस कागेदा को हम फेलोजन कहते हैं। इसकी कोशिकाएं आयताकार होती है, कोशिकाएं कॉम्पैक्ट होती है, सहत होती है, एक दूसरे के पास में सटी हुई, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, कोशिकाएं जीवित होती है। वेस्कुलर कैम्बियम की तरह इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, उसमें रे इनिशियल्स और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स दो प्रकार की कोशिकाएं थी, रश्मि आद्यक और तर्कु रूपी आद्यक।
परंतु यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के कोशिकाएं होती हैं और इसको हम कॉर्क कैम्बियम या कागेदा कहते हैं। इस कागेदा की कोशिका में पेरिक्लिनल डिवीजन या टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय विभाजन से इसके बाहर की तरफ और इसके भीतर की तरफ कोशिकाओं का निर्माण होता है। कागेदा के द्वारा या फेलोजन के द्वारा जो कोशिकाएं बाहर की तरफ निर्मित होती है, यहाँ पर जो कोशिकाएं निर्मित होती है उसको कॉर्क या फेलम कहते हैं। इसकी कोशिकाएं भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती है, संहत रूप से व्यवस्थित रहती है। इंटरसेलुलर स्पीसीज इसमें नहीं पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में। यहाँ पर जो कोशिकाएं बन रही है उन कोशिकाओं में किसी तरह का इंटरसेलुलर स्पीसीज नहीं है। प्रारंभ में इन कोशिकाओं की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, परंतु बाद में इसकी भित्ति पर एक विशेष पदार्थ जिसका नाम है सुबेरिन का जमाव हो जाता है और इस सुबेरिन के जमाव से जो कॉर्क है वो वाटर एंड गैसेस, जल एवं गैसों के प्रति इम्परमिएबल या अपारगम्य हो जाती है। इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान या इसके अंदर से जल का पारगमन नहीं होता है। इम्परमिएबल ये लेयर है, अपारगम्य स्तर है। व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर जो कॉर्क है, आपने देखा होगा प्रयोगशाला में, लैब में जो बोतल के ढक्कन होते हैं वो कॉर्क के या काग के बने होते हैं। पहले ज़्यादातर कॉर्क के ही ढक्कन बनाते थे। ये व्यावसायिक काग एक प्लांट से, एक पादप से प्राप्त की जाती है और उस प्लांट का नाम ध्यान रखना कमर्शियल कॉर्क है। वो प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबर। इस क्वेरकस सुबर से कमर्शियल कॉर्क या व्यावसायिक काग प्राप्त की जाती है और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। इस कॉर्क कैम्बियम के, ये कॉर्क कैम्बियम है, इसको भी बताया था फेलोजन कहते हैं, कागजन, ये काग है या फेलम भी कहते हैं इसको। तो इस फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम के भीतरी तरफ इंटरसेलुलर स्पेसेस युक्त, अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त मृदुतकीय या पेरेन्काइमेटस लिविंग यानी जीवित, थिन वॉल्ड यानी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके भीतरी तरफ आप देखना तो यहाँ इसके भीतरी साइड में इंटरसेलुलर स्पीसीज वाली कोशिकाएं बन रही है और इस भाग को हम फेलोडर्म कहते हैं। ये पोर्शन फेलोडर्म, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक वल्कुट कहते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से, तीन कौन, फेलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोडर्म, ये क्या है कॉर्क, ये क्या है कॉर्क कैम्बियम और ये क्या है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। काग, कागजन और या फिर इसको कागेधा भी कहते हैं और द्वितीयक वल्कुट, इन तीनों को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म
या परित्वक, या कई बार ऐसा भी लिखा होगा परिचर्म कहते हैं, और ये पेरिटर्म प्रोटेक्शन या सुरक्षा का कार्य करती है। एग्जाम में एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ क्या है ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पेरिडर्म क्या है इसके निर्माण और संरचना को समझाइए, तो भी उसमें ये सब सारी बात आपको लिखनी है। धन्यवाद।